यूजर चार्ज को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी फुल चार्ज है। नगर निगम के संपत्ति कर के साथ यूजर चार्ज वसूलने के विरोध में बीजेपी पार्षदों ने नगरीय निकाय मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया के बंगले का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर प्रदेशवासियों को लूटने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी ने मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार को यूजर चार्ज में कमी करना चाहिए ताकि शहरवासियों को राहत मिल सके। पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। आज कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम संपत्ति कर आधा करेंगे, आज 3 साल के बाद भी संपत्ति कर आधा करने के बजाय दुगना कर दिया गया है। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, सड़क नहीं मिल रही है, साफ सफाई नहीं मिल रही है। यूजर चार्ज बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, भोपाल, इंदौर से भी 10 गुना ज्यादा यूजर चार्ज। केंद्र सरकार ने कहीं पर भी यूजर चार्ज के राशि तय नहीं की है। जब इंदौर में कम है, भोपाल में कम है, इंदौर में कम है, तो फिर यहाँ क्यों ज्यादा है? ये तो अपनी मर्जी से ज्यादा बढ़ा रहे। इधर कांग्रेस बीजेपी के प्रदर्शन को सिर्फ अवसरवादी राजनीति बता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यूजर चार्ज बीजेपी की देन है, बीजेपी ने खुद ही नियम बनाया, अब खुद ही विरोध कर रहे हैं। यूजर चार्ज के मामले में भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी राजनीति कर रही है। यदि उन्हें आंदोलन करना है, घेराव करना है, तो नरेंद्र मोदी का और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का घेराव करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यूजर चार्ज लेने का कानून 2017 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बनाया था, और कितना यूजर चार्ज लिया जाएगा उसकी दरों को भी दमन सरकार ने निर्धारित किया था। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राज्य पर दबाव बना रही है कि वह यूजर चार्ज की वसूली करे। जहां तक यूजर चार्ज की बात है, ये तो इन्होंने ही पहले प्रोविजन किया था, आज यदि लागू भी हो रहा है तो उसके पीछे सुविधा मिलेगी। हाँ, छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के सर्वांगीण विकास और आर्थिक मजबूती के लिए सरकार काम कर रही है, तो यहाँ की जनता भी सरकार को सहयोग करना चाहती है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। इनको विरोध करना है तो वो असली मुद्दे जिससे आम जनता तरस है, जैसा मैंने बोला आपको, डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ से लेके सभी प्रकार के रसोई गैस से लेके जिस दामों में वृद्धि हुई है, इसका विरोध करना चाहिए। कुल मिलाकर किसी भी निकाय में स्वच्छता के लिए जनता से यूजर चार्ज लिया जाता है, इसलिए रायपुर नगर निगम डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए हर महीने शुल्क लेने की तैयारी कर रही है। निगम को सफाई का ठेका लेने वाली कंपनी को हर महीने कम से कम 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी करना है। शायद यही वजह है कि यूजर चार्ज की बात हो रही है। हालांकि बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अब मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, या बीजेपी 2023 के चुनाव में छोटे छोटे मुद्दों के सहारे सिंहासन हासिल करना चाह रही है। हमने देखा बच्चों की मौत का मामला सामने आया, 25,000 बच्चे की मौत हो जाती है। रामविचार नेताम उसको बहुत प्रमुखता से उठाते हैं, लेकिन वो मुद्दा अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। अब भारतीय जनता पार्टी यूजर चार्ज को लेकर पर्टिकुलर एक हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनके लिए बड़ा आंदोलन भी आज भारतीय जनता पार्टी ने किया, काफी संख्या में लोग भी नजर आए, लेकिन बड़ी बात है कि यह आंदोलन भी क्या अंजाम तक पहुंचेगा। 2018 के पहले छोटे छोटे मुद्दे पर हमने कांग्रेस के और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लगातार सड़कों पर देखा है, और वो छोटे छोटे मुद्दे जब सामने आते थे बीजेपी उस समय आत्ममुग्धता में रहती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि इन छोटे मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये छोटे मुद्दे ही कांग्रेस को 67 का मैंडेट ला कर दिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब उन छोटे छोटे मुद्दों के सहारे 2023 के चुनाव में पार लगाना चाहती है अपनी नैया? ये बड़ा सवाल है। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं, मैं सभी का तारुफ आपसे कराता हूं। मेरे साथ मौजूद है मिनल चौबे जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं रायपुर नगर निगम की। मेरे साथ मौजूद हैं श्री कुमार मेनन जी, जो MIC सदस्य हैं नगर निगम रायपुर के। मेरे साथ मौजूद है अनिल द्विवेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले यूजर चार्ज बीजेपी रिचार्ज, अनिल द्विवेदी जी से शुरुआत करता हूं। अनिल जी, पहला मेरा सवाल है, छोटे छोटे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, बहुत अच्छी बात है कि अब कहीं ना कहीं सड़क पर भारतीय जनता पार्टी दिख भी रही है। इन छोटे छोटे मुद्दों को अब कांग्रेस इग्नोर कर रही, क्योंकि यूजर चार्ज आज का मामला नहीं, 2017 का मामला है, लेकिन इन छोटे छोटे मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में अभी से अपनी तैयारी कहीं कहीं करते हुए नजर आ रही है। ये छोटे मुद्दे क्या भारतीय जनता पार्टी को 2023 की नैया पार लगाते आपको दिख रहे हैं? एक सवाल, और दूसरा ये है कि इन मुद्दों के सहारे कहीं ना कहीं एकजुटता भी दिखाने की कोशिश है। डी पुरंदेश्वरी आती हैं, चले जाती हैं, 2-3 दिन आक्रामकता बीजेपी दिखाती है, लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं किसी विषय को लेकर अंजाम तक पहुंच नहीं पाती। तो क्या लग रहा है कि चुनावी मोड पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक आ पाई है छत्तीसगढ़ में?
देखिए आदित्य, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा शीर्षक दिया इस डिबेट का कि यूजर चार्ज बीजेपी रिचार्ज है। और जिस तरह से आज बीजेपी सड़क में उतरी है, उनके पूर्व मंत्री उतरे और पूरी बीजेपी आई है, तो भाई कोशिश कर रहे हैं एक हवा बनाने की। जो विश्वास जनता का उन्होंने खो दिया था उसको फिर से प्राप्त करना है और अगले विधानसभा चुनाव में शायद वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये जिस मुद्दे पर बीजेपी उतरी है उसके चलते उसको खुद का आईना देखना पड़ रहा है ना, क्योंकि उसके सरकार में ही यूजर चार्ज लागू हुआ। बल्कि जो सरकार, जिस कंपनी ने काम शुरू किया था उसने करोड़ों रुपए बटोरा और यहां से वो अचानक काम समेट करके चली गई, तब जनता को आश्चर्य हुआ था कि ये बीजेपी किस तरह से कैसी कंपनियों को ला रही है यहां पर साफ सफाई करने के लिए। फिर उसने यूजर चार्ज लागू कर दिया और उस समय भी 50-50 रुपए की रिसिप्ट काटी गई और यूजर चार्ज वसूल हुए, तब कांग्रेस ने भी इसका विरोध जताया था। तो ये यूजर चार्ज पर एक मिली जुली कुश्ती है, लेकिन जनता तीन सवाल कर रही है। पहले सवाल यह है कि वह जब ऑलरेडी साल में एक बार सफाई टैक्स देती है तो वो यूजर चार्ज क्यों दे, पहला। दूसरा कि जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, भाई मिसमैनेजमेंट क्या है, कॉलोनी में गीला कचरा के लिए अलग टेंडर जारी हो रहे हैं, सूखे कचरे के लिए अलग टेंडर जारी हो रहे हैं, तो जनता को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें करप्शन एक बड़ी दृष्टि के साथ है। और ये उस सरकार में भी था, इस सरकार में भी हुआ है। तो कुल मिलाकर यह है कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं इसमें अपना लाभ देख रहे हैं। नगर निगम का निश्चित तौर पर टैक्स बढ़ेगा, और लेकिन जनता के जो सवाल है वो ये है, और दोनों ही राजनीतिक दलों से हैं, इसलिए दोनों ही राजनीतिक दल, अभी मैं देख रहा था कि शिव डहरिया जो नगरीय निकाय मंत्री हैं उनसे भाजपा के विधायक, पूर्व विधायक और एक महिला नेत्री जाके मिली थी, और शिव डहरिया ने आईना दिखाया उनको कि भैया ये तो केंद्र सरकार ने ही लागू किया, हम उसको लागू कर रहे हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें मुझे लग रहा है इनकाउंटर हो रही है, लेकिन जनता का जो सवाल है, तीन सवाल, वो यदि बीजेपी ने ज्यादा उठाए तो ज्यादा मजबूती। बिल्कुल मीनल जी, आप चूंकि नगर निगम से संबंध है, नेता प्रतिपक्ष है, बड़ी जवाबदारी है आपको सीधे सीधे, क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे के चलते ही कांग्रेस 2018 में सत्ता पर काबिज हुई थी, अब उन्हीं छोटे छोटे मुद्दों के चलते भारतीय जनता पार्टी भी सड़क पर नजर आ रही है, लेकिन चुनावी मोड पर नजर आ नहीं रही है। केवल डी पुरंदेश्वरी आती है, आक्रामकता दिखाई जाती है, छोटे छोटे मुद्दे आप लेकर आते हैं लेकिन अंजाम तक आप नहीं पहुंचते। ऐसा नहीं कि मुद्दों की कमी हो आपके पास, शराबबंदी का मुद्दा आपके पास है, बेरोजगारी का मुद्दा आपके पास है, 25,000 बच्चों की मौत का मुद्दा आपके पास था, लेकिन उन मुद्दों पे ना तो कोई बड़े नेता सामने आता है, ना तो सड़क की लड़ाई आप लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखिए प्रत्येक विषय बड़ा होता है, ऐसे नहीं मुद्दे की बात नहीं, हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, समय समय पे हम अनेक मुद्दे उठाते रहते हैं। अभी वर्तमान में आज यूजर चार्ज हमारे लिए मुख्य विषय है और हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि ये सीधा सीधा शहर की जनता से जुड़ा वाला विषय है। अब मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई हम नगर निगम के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, नगर निगम के माध्यम से यूजर चार्ज वसूला जा रहा है। अब बार बार ये बात आ रही है कि राज्य सरकार ने इसे लागू किया है, पिछली राज्य सरकार ने इसे लागू किया है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नगर निगम में पूर्व के महापौर प्रमोद दुबे जी थे, उन्होंने राज्य सरकार से इस विषय पे बात किया और उन्होंने इस यूजर चार्ज को जनता से लेने के लिए सरकार को रोका। वर्तमान में जो महापौर है वो एजाज ढेबर जी हैं, और सरकार भी दुर्भाग्य से कहें या जो भी कहें, भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या एजाज ढेबर जी हैं वो क्या कमजोर महापौर हो रहे हैं, कमजोर महापौर साबित हो रहे हैं जो जनता की बातों को अपनी सरकार तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और बड़े ही दुख की बात है कि अभी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं, जब वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश उभर रहा है और प्रत्येक सेक्टर में सरकार के द्वारा बहुत सारी जगहों पे छूट दी गई है, उसके बावजूद ऐसे समय में यूजर चार्ज को लाकर थोपना। हमने शिव डहरिया माननीय मंत्री जी से बात की थी और उन्होंने हमको आश्वासन भी किया था, हम चाहते थे कि इस विषय पर थोड़ा सहानुभूति पूर्वक विचार करें क्योंकि ये समय सही नहीं है, उन्होंने हमको आश्वस्त भी किया था, मगर उसके तुरंत बाद वो बदल गए और अहंकार की भाषा बोलते हुए उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि यूजर चार्ज तो वसूला ही जाएगा और वो अनाप शनाप झूठी बातें फैला रहे हैं कि भारत की सरकार का या भारतीय राजपत्र में ये सब गजट में प्रकाशित हुआ है। तो बहुत सारी बातों को कहकर वे जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं जवाब ले लेता हूं श्री कुमार जी, बड़ा सवाल ये है कि यही छोटे छोटे मुद्दे थे 2018 के पहले, 2013 से लेकर 2018 के बीच, इन छोटे छोटे मुद्दों पर ही कांग्रेस लड़ी है जनता के लिए और आज इस मुकाम पे कि 67 के बाद उपचुनाव भी हुआ और अब 70 का मैंडेट कांग्रेस के पास है। अब वही छोटे छोटे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी भी उठा रही है,
उस समय भारतीय जनता पार्टी आत्मुग्धता में थी, अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आत्मुग्धता में है। अगर ये दिक्कत उस समय था तो अभी इस पूरे विषय को कांग्रेस खत्म क्यों नहीं कर देती? सरकार आपकी है, कोई बाउंडेशन थोड़ी कि यूजर चार्ज लेना ही है आपको। देख रहे हैं स्थिति ठीक नहीं है, जब स्थिति ठीक होगी तब इस पर बात की जा सकती है। अब इस छोटे मुद्दे को आप बड़ा होने क्यों दे रहे हैं? अजीत जी, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि यूजर चार्ज का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक कर का मुद्दा नहीं है। ये केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई, जब स्वच्छता सर्वेक्षण लागू किया गया था, एक नॉर्म्स बनाए गए हैं पूरे देश के अंदर में, जितने नगर निगम में जितने म्यूनसिपल है सबके लिए मैंडेटरी किया गया है कि भाई आपको अपने जो गीले कचरे सूखे कचरे को जो आप कलेक्शन करते हो डोर टू डोर, उसके अगेंस्ट में आपको प्रति घर से आपको पैसा लेना है। और उसमें नॉर्म्स भी तय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी, और उसी नॉर्म्स के तहत तत्कालीन रमन सिंह जी की सरकार ने 2017 में, जिसमें कैबिनेट में बृजमोहन अग्रवाल जी जो आज प्रदर्शन में शामिल थे, राजेश मूणत जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, अमर अग्रवाल जी, इन सब लोगों ने मिलकर उस प्रस्ताव को पारित किया था कैबिनेट में, जिस प्रस्ताव के आधार पर आज वसूली करने का प्रयास हम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहां तक बात की मीनल चौबे जी ने बताया, जो भी यूजर चार्ज लग रहे हैं इसमें कहीं भी कोई भी दुविधा की स्थिति नहीं। हम लोगों ने 5 साल प्रमोद दुबे जी के कार्यकाल में नहीं लग लिया और आज ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं स्वास्थ्य विभाग देखा हूं पिछले 5 सालों में प्रमोद दुबे जी कार्यकाल में, यूजर चार्ज के संबंध में हमारा पहले दिन से, हमको राज्य सरकार से स्पष्ट निर्देश था कि आपको पैसा वसूली करना है, लेकिन महापौर जी और हमारी परिषद ने साफ रूप से उसको मना करके रखा था। हमारा कहना था कि कंपनी जो बाहर से आई है वो कंपनी जब तक के अच्छे से काम ना कर ले, जनता सेटिस्फाई ना हो जाए, हम 95-98% लोगों को के घरों तक ना पहुंच जाए, डोर टू डोर कलेक्शन पूरा ना हो जाए, एक रूटीन में लोगों का विश्वास हमारे ऊपर जम जम जाएगा, उसके बाद ही हम किसी भी वसूली या किसी भी प्रकार कर लेने के लिए हम अपने आप को सही मानते थे। इसलिए हम लोगों ने वसूली नहीं की, ना कि इसलिए नहीं कि हम नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात जो अनिल जी ने बोला कि हम स्वच्छता कर ले रहे हैं, स्वच्छता कर ने हमने हटा दिया गया है, 200 रुपये जो समिति कर जो लागू किया था उसको हटा दिया गया है, और उसके बाद ही ये यूजर चार्ज लिया जा रहा है। लेकिन आदित्य जी, चूंकि बात शुरू हुई है, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। आज दिन अगर प्रदर्शन का था तो मीनल जी और पार्षद दल को, भाजपा पार्षद दल को अपने मंत्रियों से माफी मांगने की बात करनी चाहिए थी, जिन मंत्रियों ने वहां बैठकर कैबिनेट में इस डिसीजन को पास कराया था। इसके अलावा रायपुर शहर की जनता भूली नहीं है कि 720 रुपए वाटर टैक्स को 2400 रुपए करने वाली कौन सी सरकार थी, वो रमन सिंह जी की सरकार थी और अमर अग्रवाल जी की सरकार थी। जवाब ले लेते हैं। 600 रुपए समेकित कर प्रति घर से लेने का निर्णय उनकी राजेश मूणत जी की के समय में हुआ था, वो मंत्री थे नगरीय निकाय के मंत्री। प्रॉपर्टी टैक्स में 50% की बढ़ोतरी उसी दौरान हुआ था, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी है और आज वो दोषारोपण हमारे पर करके जवाबदेही बोल रहे हैं मीनल जी की आपकी है। मेरा सवाल ये था कि यूजर चार्ज मुझे बहुत अच्छे से 2017 का ये पूरा मामला था, उस समय चूंकि सरकार आप थी लेकिन नगर निगम में सत्ता कांग्रेस की थी, प्रमोद दुबे उस समय महापौर हुआ करते थे, उस समय इन्होंने लागू नहीं किया, अब की परिस्थिति में लागू करना चाहते हैं, उस समय आप लागू करना चाहते थे ये नहीं चाहते थे, अब ये नहीं चाह रहे आप चाह रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है? देखिए, पार्षद जनप्रतिनिधि है जो सामान सभा में एजेंडा आया था यूजर चार्ज के, हमने कहा, हमने पहले भी विरोध किया था और आज भी हम विरोध कर रहे हैं, और अभी तो परिस्थितियां भी विपरीत हैं। रही माफी मांगने की बात, तो आदरणीय श्री कुमार मेनन जी को प्रमोद दुबे जी से माफी मांगनी चाहिए कि आपके निर्णय को हम बदल रहे हैं और आपके निर्णय के अब हम खिलाफ जा रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी हम यूजर चार्ज की डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो भारत का राजपत्र है वो हमने भी पढ़ा है, उसमें लगभग 15 बिंदु हैं जो कि 8 अप्रैल 2016 को जारी किया गया था, जिसमें 15 बिंदु और अ ब क ख ग करके लगभग 26 बिंदु हैं, जिसमें से मैं दावे के साथ कहती हूँ कि कह सकती हूँ कि 10 बिंदुओं का उसमें पालन नहीं हो रहा है। सिर्फ यूजर चार्ज वाले विषय को लेकर आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। आदित्य जी, मैं उसमें भी आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगी कि जिस यूजर चार्ज वसूलने की ये बात कर रहे हैं, 15वें पॉइंट पर जो ये पर्यावरण विभाग के द्वारा राज्य सरकार केंद्र सरकार के पर्यावरण विभाग के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है 8 अप्रैल 2016 को, उसमें 15वें बिंदु और 6 सेक्शन में साफ शब्दों में ये लिखा है कि उपयोगिता फीस जो समुचित समझी जाए,
समुचित समझी जाए, मतलब जो इस परिवेश में भारत सरकार का जो गजट है वो पूरे भारत के लिए लागू होता है। हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग होती है, हर शहर की परिस्थितियां अलग होती है, जिसमें सुझाव, सुधार और टिप्पणियां अपेक्षित रहती हैं। और इसमें साथ में यह भी लिखा है कि समय समय पर इसे विहित करना। ये सब बातें मेरे ख्याल से माननीय श्री कुमार मेनन जी ने अध्ययन नहीं किया होगा या पठन नहीं किया होगा। और बार बार ये दोषारोपण करना या फायदा उठाना कि ये तो केंद्र का निर्णय है जो हमको लेना है, ये ऐसा कहके जनता को गुमराह करना गलत है। और सबसे पहले आप रायपुर शहर की जनता के जवाब देंगे हैं, उनके जवाब दे में उनको आपको उन्होंने चुनकर भेजा है, उनकी चिंता है, जो उनको जो दुविधा हो रही है, उनकी जो परेशानी है, उनका जवाब श्री कुमार मेनन जी को देना चाहिए। और युद्ध चार्ज कांग्रेस एक तरफ में मुझे बहुत अच्छे से आता है, मोहन मरकाम का एक बयान आता है कि 80% विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। टीएस सिंहदेव भी आज के आज यही कहते हैं कि बहुत कुछ करना बाकी, क्योंकि मैं जब से मंत्री बना हूं अपने क्षेत्र की जनता से कट गया हूं। बहुत आसान राह 2023 की कांग्रेस के लिए भी नहीं दिखाई दे रही है इन छोटे छोटे मुद्दे, क्योंकि देखिए जनता से जुड़े मुद्दे अगर सामने आएंगे जनता का साथ आपको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अब एकजुट हो रही है, क्योंकि यह भी तय है कि जो नेतृत्व 2018 में 2013 से 2018 के बीच में था वो नेतृत्व नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी का, नए लोगों को मौका मिलेगा। तो क्या ये नए लोग जो सामने आ रहे हैं, नए चेहरे सामने आ रहे हैं, मीनल चौबे जी हैं, ओपी चौधरी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काफी संघर्ष किया है, ये लोग जो सामने आ रहे हैं छोटे छोटे मुद्दे अगर लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पर इन्हें आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में सफलता मिलेगी? बिल्कुल आदित्य, मैं आपके साथ में ही जा रहा हूं। और जिस तरह से राज्य में कांग्रेस ने 15 साल का राजनीतिक वनवास भोगा, वैसे ही नगरीय निकाय रायपुर में बीजेपी 15 सालों का राजनीतिक वनवास भोग रही है। मैं उम्मीद जताना चाहूंगा कि मीनल चौबे के नेतृत्व में हो सकता है ये राजनीतिक सूखा खत्म हो जाए और बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में आए। लेकिन जो बड़ा सवाल आपने उठाया कि क्या बीजेपी में सेकंड लीड के लोग सामने आने चाहिए, मीनल चौबे आई हैं और भी नेता, आप देखिए कांग्रेस का कायाकल्प कैसे हुआ। कांग्रेस में जो पुराने और थके नेता थे वो सबसे किनारे, और 20-20 21-21 साल के लड़कों ने विधानसभा का चुनाव जीता और हमने देखा किस तरह तरुणाई सामने आई और कांग्रेस सरकार में आई। ठीक यही बीजेपी को भी करना होगा, जनता पुराने चेहरों को देख के थक जाती है। पार्षद चुनाव में जिस तरह राजनीतिक धुरंधर धराशायी हुए हैं मैदान में बीजेपी के, उससे तो उनको एक तरह से नए खुद होकर के सीट छोड़ना चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी तैयारी कर रही है, हालांकि मीनल चौबे को कितना स्थान मिल रहा है ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन वे एक संभावनापूर्ण चेहरा है। इसके अलावा उनके साथ जो नए लड़के हैं, नए युवा टीम जो है वो भी काम कर रही है, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में आपको सोच समझ करके फैसले करने होंगे, रणनीति तैयार करनी होगी, और जो मुद्दे कांग्रेस की कमजोरी के सरकार के तौर पे सामने आ रहे हैं उनको बुनाने का मादा रखना होगा। लेकिन वो थके हारे चेहरों के बदौलत नहीं होगा, वो युवा और नए चेहरों के बदौलत ही हो पाएगा। मैंने जी, मेरा एक सवाल था, मोहन मरकाम ये कह रहे हैं विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सीएम कह रहे हैं परफॉर्मेंस सुधारी, एक साल का मैं समय दे रहा हूँ, विधानसभा के बाद सीएम फिर ग्राउंड लेवल पर जाएंगे, टीएस सिंहदेव भी यही बोल रहे हैं कि मैं दूर होते जा रहा हूं पब्लिक से जब से मंत्री बना हूं, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे जनता से कांग्रेस दूर होते जा रही है उन छोटे छोटे मुद्दों के सहारे जिसने कांग्रेस पार्टी को 70 का मैंडेट आज छत्तीसगढ़ में दिया है? 2023 में देखिए बहुत साफ है कि वो स्थिति नहीं रहेगी 14 और 70 वाली, जो स्थिति रहेगी नेक टू नेक रहेगी, छत्तीसगढ़ का इतिहास बताता है जो भी चुनाव हुए चाहे 2003, 2008, 2013 सब में नेक टू नेक फाइट रही है। बहुत आसान आपके लिए भी आने वाला चुनाव नहीं है, छोटे छोटे मुद्दे अगर भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर ले रही है, जनता के साथ जुड़ रही है, ऐसा नहीं लगता कि उन मुद्दों को शुरू होने से पहले आपको खत्म कर देना चाहिए या कहीं ना कहीं जनता के साथ हो जाना चाहिए? अजीत, निश्चित रूप से जो बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने या टीएस सिंहदेव जी ने या मोहन मरकाम जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है, इनकम्बेंसी की बात उन्होंने की, इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं हर सरकार को परेशान करती है। विधायकों को जो सिटिंग विधायक है उनके प्रति अपेक्षा लोगों की बहुत ज्यादा रहती है, कार्यकर्ताओं की रहती है, आम जनता की रहती है। वो इनकम्बेंसी फैक्टर का अगर हम आखिरी साल में जाकर अगर असेसमेंट करेंगे, आज 3 महीना पहले या 6 महीना पहले, तो शायद हम उसको सुधार न कर पाए, लेकिन चाहे हमारे पास 2 साल का समय है, इस 2 साल के समय पर्याप्त समय है। जो हमारी कमजोरियां होंगी, अगर किसी इंडिविजुअल क्षेत्र में संगठन की कमजोरी हो या सत्ता संबंधित किसी काम का या विधायक महोदय से संबंधित कहीं कोई या संगठन से जुड़े हुए लोगों का अगर विधायक महोदय से कहीं कोई दिक्कत हो, उन सब बातों को तमाम चीज़ों को समझने और सुधारने का एक अवसर रहेगा। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने ये बात भी कहा है कि वे दौरा करेंगे, दौरा करके हर विधानसभा में जाके लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और इसका लाभ मिलेगा हमको। और कहीं भी ऐसा नहीं है, हम पूरे रूप निश्चित रूप से इस बात के लिए आश्वस्त है कि आने वाला समय कांग्रेस का, चूंकि हमने ईमानदारी के साथ काम किया है इन 3 सालों में, सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया, अपने घोषणा पत्र दी गई बातों को पूरा किया है,
जो जनता की अपेक्षा है, चाहे किसानों का हो, चाहे मजदूरों का हो, चाहे शहरी मतदाताओं का, हर किसी का, जो भी हमने घोषणा पत्र में बातें रखी थी उन तमाम बातों को हमने पूरा करने का प्रयास किया और कुछ बातें बची है जो आने वाले दो वर्षों में हम पूरा करेंगे। मेरा एक बड़ा सवाल ये था जनता की तरफ से, इस सवाल को समझ लीजिए, आपकी मुद्दे आप उठा रही हैं, बच्चों की मौत का मुद्दा आया, ऐसे बहुत सारे मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, आप लोगों ने खुद देखा है महिलाओं ने बढ़ चढ़कर शराबबंदी के नाम से कांग्रेस को वोट दिया था, वो मुद्दे अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। 1.5 साल का समय है, ये शुरुआत में अगर मान लो यूजर चार्ज के लिए जिस प्रकार से आप लोग आज सड़क पर आए, क्या ये सब मुद्दे अंजाम तक पहुंचेंगे? एक जिम्मेदार नेत्री हैं, मैं यही चाहता हूं कि जिम्मेदारी के साथ ये जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप दें कि ये मुद्दे अंजाम तक पहुंचेंगे। जरूर आदित्य, सारे मुद्दे जो आप बता रहे हैं वो शहर की जनता से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक खास बात है, जो गंगा जल हाथ में लेकर जो कसम खाया गया था, शराबबंदी को लेकर जो जिसका सीधा सीधा संबंध महिलाओं से है, हम लगातार इन सब मुद्दों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सड़क की लड़ाई, अभी जो हमें वर्तमान में परिस्थितियां देखने मिल रही है, बहुत ही दुख की बात है कि दमन की राजनीति वर्तमान कांग्रेस सरकार के द्वारा की जा रही है, आवाज को दबाया जा रहा है। पहले भी विपक्ष होता था, प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और जब तक विपक्ष बातें नहीं बताएंगे, जनता की आवाज़ नहीं बनेंगे, सत्ता पक्ष तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी? मगर इन आवाज़ों को गलत तरीके से रोका जा रहा है, दमन पूर्वक रोका जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी जनता से जुड़ा विषय है, चाहे वो शराबबंदी का विषय हो और अन्य विषय, जो कि इनके 3 साल के कार्यकलाप को देख के लग रहा है कि विषय तो आते ही रहेंगे, सभी विषयों को लेकर हम जनता तक जाएंगे। और जनता की आंख अभी खुल चुकी है, क्योंकि झूठे वादे करके जो कांग्रेस की सरकार है वो सत्ता में आई है, जनता इन सब बातों को समझ रही है। आने वाले में हम जनता के साथ मिलकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जनता के साथ आप जुड़ें और जनता के अधिक से अधिक मुद्दे आप निश्चित तौर पर सड़क से लेकर सदन तक जनता की लड़ाई लड़ें। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।